हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज हम लेके आ चुके हैं ये एक वाटर पंप खराब, इससे हम फ्री एनर्जी जनरेट करके बताने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और हमारे आने वाली वीडियो पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक डीसी मोटर की, ये 12 वोल्ट की डीसी मोटर, इससे हम फ्री एनर्जी जनरेट करके बताने वाले हैं। इससे आप कुछ भी चला सकते हैं, बल्ब चार्जिंग और फैन। ये 12 वोल्ट देने पर 220 वोल्ट देता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वाटर पंप, इसको हम ओपन कर देते हैं। इस कैप को हम निकाल देंगे। निकाल देने के बाद इसके अंदर हमें मिलता है मैग्नेट, इसको हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं अब हम 775 डीसी मोटर लेंगे और इन दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक कार्डबोर्ड की, इसको हम कटिंग कर देंगे। इस कार्डबोर्ड को कटिंग करने के बाद हमने ये काट लिया है। अब हम इस वाटर पंप को इसके अंदर इस प्रकार से चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद ये 775 डीसी मोटर और हम मैग्नेट को इसके अंदर फिट कर देंगे और इसको भी चिपका देंगे। चलो चिपकाते हैं। हम इस मोटर से ये 220 वोल्ट करंट से हम इस बल्ब को जला के बताने वाले हैं। ये है 230 वोल्ट पे चलने वाला एलईडी बल्ब। आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज 220 वोल्ट और 240 वोल्ट और 50-61, इससे हम चलाने वाले हैं। इसको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम इस कार्डबोर्ड पे इस वाटर पंप को चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए हमें ज़रूरत होगी ग्लू की, इसको हम ग्लू लगा देते हैं। ग्लू लगाने के बाद अब हम इसको चिपका देंगे। अब हम एकदम टाइट चिपका देंगे। ये एकदम चिपक गई है। अब हम ये मोटर को लेंगे और इस मैग्नेट को बाहर निकाल देंगे, इसको भी हम फिट कर देंगे। अब इसके अंदर हम मैग्नेट को डाल देंगे। एकदम टाइट डालने के बाद ये एकदम चिपक गया है। इसको चिपकाने के बाद अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम लेके एक 12 वोल्ट का बल्ब, ये 230 वोल्ट पर चलने वाला, इस बल्ब के दोनों सिरों पर ये कनेक्टर मदद से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद इन दोनों वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। चलो करते हैं। ये रेड वायर इससे और ये ब्लैक वायर इससे हम कनेक्ट कर देंगे। इस वायर को बांधने के बाद अब हम इस एलईडी बल्ब को इधर चिपका देंगे। इस चिपकाने के लिए हमें ब्लू गन की ज़रूरत होगी, इसको हम ब्लू गन से चिपका देते हैं। वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों, आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा। इसको चिपकाने से पहले इसके अंदर हम चेक कर देते हैं। चेक करने के बाद अब हम ये अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। अब हम ब्लू गन से लगा देते हैं इसको।
अब हम इधर भी लगा देते हैं ब्लू गन। अब हम फिट कर देते हैं इसको। चिपकाने के बाद अब हम इस बल्ब को निकाल देंगे होल्डर से। इसको हम बाद में लगाने वाले हैं। ये इस प्रकार से रेडी है। अब हम इस डीसी मोटर को इस प्रकार से अंदर डाल देंगे और इधर एकदम फिक्स कर देंगे। इसको करने के लिए हमें ज़रूरत होगी ये बैटरी की, इसको भी हम लगा देंगे। सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल देंगे और इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों वायर एकदम सही तक कनेक्ट हो चुके हैं। इसको भी हम चिपका देंगे। हमारा प्रोजेक्ट एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। हमने ये डीसी का लगा दिया है, इससे हमें पता चलेगा कितनी एनर्जी आ रही है। अब हम इस एलईडी बल्ब को लगा देते हैं। एलईडी बल्ब को लगाने के बाद अब हम इसको टेस्टिंग करते हैं, ये बल्ब जलता है या नहीं, इससे हमें पता चलेगा। वीडियो एंड तक देखते रहिए।